द डर्टी पिक्चर ने बदनाम तो किया पर हमारी विद्या बालन को काफी नाम भी दिया। कहानी ने विद्या के काम की तारीफें दिलवाकर उनकी बदनामी को भुला दिया और अब विद्या कर सकती है कुछ ऐसा कि उनकी बदनामी पूरी तरह मिट जाएगी। जी हाँ, सुनने में आया है कि विद्या बालन बनेगी पार्वती, एक ऐसी फिल्म में जो है लॉर्ड शिवा पर बेस्ड। और आपको बता दें कि रिपोर्टेडली इस फिल्म में लॉर्ड शिवा बनने वाले हैं ऋतिक रोशन। तो चलिए अब आपको उस फिल्म मेकर से भी मिलवा ही देते हैं जिनके नाम के साथ इस माइथोलॉजिकल फिल्म का नाम जोड़ा जा रहा है और रिपोर्टेडली उन्हें विद्या ही सबसे ज्यादा जज रही है पार्वती के रोल में। She is absolutely amazing. She is fantastic. I think it's going to be a blockbuster and I think Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. जी हाँ, there are strong reports that Vidya Balan will be essaying the role of Parvati in Karan Johar's next production. ये फिल्म बेस्ड होगी बुक Immortals of Meluha पर। According to the rumors, Ritik Roshan will be playing Lord Shiva and Vidya Balan has been approached to play Parvati. Even though जब हमने विद्या से ये बात पूछी थी, तो she had denied saying so far she hasn't signed any film with Karan Johar. Are you working with Ritik? Because there was a news that you're doing the role of Parvati in a film with Ritik. Not that I know of. Lekin one of our reporters has also overheard Farah Khan telling Vidya Balan that Karan Johar will not hear a no and how Karan's project will turn out to be an important film. वैसे officially अब तक करण की तरफ से ऐसी किसी फिल्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है कि बेस्ट सेलर बुक Immortals of Meluha के फिल्म मेकिंग राइट्स करण ने अक्वायर कर लिए हैं, तो देर से देर फिल्म भी बन ही जाएगी। और जब फिल्म की प्लानिंग चल रही है तो इतना अपडेट तो काफी है कि विद्या एंड ऋतिक आर द फ्रंट रनर्स फॉर दिस फिल्म। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई।